ये अक्सर ठंडी जगहों पर भूतों का होना आम होता है, या यूं कहें कि भूतों को अक्सर ठंडी जगह पसंद आती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि अगर आसपास हॉन्टेड लोकेशन पर अचानक से ठंड लगने लग जाए या अचानक से ठंडी हवा महसूस हो तो जरूर आसपास से नेगेटिव पावर्स गुजरी हैं। कुछ देर उस तरफ जब जाकर मैं खड़ी हुई गौरव, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ ऐसा एहसास सा ठंड, क्योंकि दिल्ली में ऐसा मौसम अभी हुआ नहीं है, पसीना आपके चेहरे पर भी नजर भी आ रहा है, लेकिन कुछ ठंडा सा एहसास, क्या इस बात पर गौर किया जाए तो कई ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं जहां एक सुंदर सा हिल स्टेशन है और वहां एक ना एक हॉन्टेड लोकेशन जरूर है, या यूं कहें कि ठंडी सुंदर सी जगह पर ठंड को और बढ़ावा देने वाली भूतों की लोकेशन जरूर है। कल हम आपको ले चलते हैं एक और हॉन्टेड कहानी की ओर, जो एक बड़े सुंदर से हिल स्टेशन पर है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा है ये हिल स्टेशन और क्या है यहाँ की कहानी। हॉन्टेड होटल, होटल सूर्य किरण। दोस्तों महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर सा हिल स्टेशन है जिसका नाम लोनावला है और ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। लोनावला स्टेशन एक बहुत बड़ा रेलवे स्टॉप भी है जो कि मुंबई और पुणे को जोड़ता है। साथ ही साथ लोनावला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई चेन्नई एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। पर एक सुंदर से हिल स्टेशन में जहां तक पहुंचने की सारी सुख सुविधाएं हैं, वहां एक हॉन्टेड होटल मौजूद है और इसको लोनावला का सबसे भूतिया होटल माना जाता है। यही नहीं, यहां पर जाने वाले सभी लोगों के साथ एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है। इस होटल का नाम है राज किरण होटल। इस होटल को आसपास वाले लोग या हम लोग हॉन्टेड बताने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट एक्सपीरियंसेस के बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, जिसमें खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे वन ऑफ द मोस्ट घोस्ट एक्सपीरियंस प्लस हॉन्टेड होटल ऑफ लोनावला माना था। ये इन्वेस्टिगेशन कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने की है और सभी ने इसे भूतिया जगह कहा। पर ऐसा क्या है होटल राज किरण में जो इसे एक हॉन्टेड जगह बनाता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों दिल थाम लीजिए, क्योंकि वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट भी और डरावना पार्ट भी शुरू हो रहा है। दरअसल दोस्तों होटल राज किरण में एक रूम है जो ग्राउंड फ्लोर पर है, जो कि जस्ट रिसेप्शन के पीछे है। अब इसमें सोने वाले के साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं, जैसे बेड पर सोने पर उनकी बेडशीट अचानक से रात को खींच ली जाती है। रूम के मिरर में एक अजीब सी फिगर देखने को मिलती है। रात को गेस्ट के पैरों के नीचे एक अजीब सी ब्लू लाइट यहाँ इस रूम में रहने वालों को फॉलो करती है। रूम में रहने वाले लोगों को मूवमेंट्स की आवाज सुनाई देती है और वहां कोई नहीं होता। यही नहीं, गेस्ट ने बहुत बार कंप्लेंट की है कि जब वो बाथरूम में थे तो उनके शॉवर में आने वाले पानी का रंग चेंज हो गया था। रातों को रूम में खुसर फुसर की आवाजें सुनाई देती है। इस रूम में सोने वाले ने चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी है। कभी वो आवाजें बाथरूम के अंदर से आती है और जब वो बाथरूम चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। वहीं जब वो बाथरूम में होते हैं तो रूम से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और जब वो रूम में आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ऐसी अजीब घटनाएं यहाँ रहने वाले लोगों के साथ घटती है। कई लोगों ने यहाँ पर डेथ थ्रेट सुने हैं और उन्होंने ये बताया कि उनको यहाँ से जाने के लिए बोला गया, वरना उनको अपनी जान देनी पड़ेगी। यहाँ रहने वाले लोगों ने बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया है और कई लोगों ने अपनी सूझबूझ खो दी। वहीं कई लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा क्योंकि यहाँ की बुरी यादें उन्हें जीने नहीं दे रही थी। शुरुआत में इन बातों पर यकीन नहीं किया गया और सिर्फ अफवाह मानकर इन्हें छोड़ दिया गया, पर धीरे धीरे इन बातों पर यकीन कर लिया गया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई गई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खुद इस रूम में रुके और सब एक्सपीरियंस किया और यहाँ हुई सारी घटनाएं गेस्ट के साथ सच मान ली गई। ये सब क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे, ये एक बहुत बड़ा सवाल और अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह चुका है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए पूरा होटल ओपन है सिवाय एक रूम के, जिसके अंदर घोस्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और होटल की बदनामी ना हो इसलिए इस बात को बहुत सालों तक छुपाया गया, पर एट लास्ट
ये कंक्लूजन निकला कि पूरा होटल ओपन करके सिर्फ एक रूम लॉक कर दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरे होटल की इन्वेस्टिगेशन हुई थी पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सिर्फ एक रूम में देखी गई, और ये वही रूम था जिसमें सब गेस्ट ने घोस्ट एक्सपीरियंस किया था, इसलिए इस एक रूम को बंद करके पूरा होटल ओपन कर दिया गया। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आप सभी लोगों के लिए एक सवाल, क्या आप लोग इस रूम में नाइट स्टे करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।